हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जनवरी को। और ये मनाया क्यों जाता है? तो अमेरिका में यहूदियों के साथ जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, तो उस नरसंहार में जो पीड़ित रहे उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और इसे मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या इसे हम हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। और यदि बात की जाए कि UNGA के प्रेजेंट टाइम में महासचिव कौन है, तो इनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यानी कि महासभा है, यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। अब यदि बात की जाए संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क से रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। कुछ समय पहले ही जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट जारी की गई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूयॉर्क है यह विश्व का सबसे धनी शहर है। प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। और दो नामों में कन्फ्यूज़न होता है, एक तो है एंटोनियो गुटेरस जो कि है यूनाइटेड नेशन के महासचिव, एक है एंटोनियो कोस्टा, ये भी पुर्तगाल से हैं और ये अभी हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इसलिए इन दोनों नाम में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। एक और चीज़, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भारत की GDP वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? तो यह फोरकास्ट की है 5.7%। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बात यहाँ पर आई है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डे की थीम भी रही है। थीम क्या थी? रिमेम्बर होलोकॉस्ट, सीक योर ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट देम। और यदि हिंदी में कहेंगे तो थीम रही होलोकॉस्ट का स्मरण, अपने मानवाधिकार मांगिए और उनकी रक्षा कीजिए। तो थीम भी आप याद रखिएगा। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की ईयरली करंट अफेयर की PDF जो कि अब कुछ ही दिनों के लिए ओपन है, 2 दिन में यह PDF हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। और इस PDF को परचेस करने का आप लोगों के पास लास्ट मौका है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस PDF में 2019 के सारे करंट अफेयर को टॉपिक वाइज कवर कराया गया है, विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नवाचार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ? यहाँ की जो राजधानी है ईटानगर, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के विज्ञान परिषद और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन, इन दोनों के ही सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी तो है ईटानगर। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 2, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनता है, नामदफा। तो नामदफा नेशनल पार्क यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में ही। साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश है ये 1972 में असम से अलग कर दिया गया था, और उगते सूर्य की भूमि यह कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आप लोगों को 2 फैक्ट याद रखना है। पहला तो यह कि अभी हाल ही में तवांग फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में ही। साथ ही एक और नाम इम्पॉर्टेंट है जो कि चर्चे में रहा था, पोंग डोमिंग। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पोंग डोमिंग ये कौन है? तो भारतीय सेना में कर्नल के पद पर नियुक्त होने वाली यह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है।
इसलिए इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यही एक सम्मेलन रह गया था जो कि होना बाकी था, तो अब इस सम्मेलन का भी उद्घाटन हो चुका है, और उद्घाटन किया किसने है? नरेंद्र मोदी जी ने, और कहाँ किया है? गुजरात में। और नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है, क्योंकि जो गुजरात है यह आलू उत्पादन के क्षेत्र में टॉप पर आ चुका है। पहले आप लोग सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब गुजरात जो है यह आलू उत्पादन के मामले में टॉप पर है। और ये जो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें पार्टनर कंट्री कौन रही? पार्टनर कंट्री रही नीदरलैंड। सम्मेलन में होगा क्या? तो इसमें आलू क्षेत्र से जुड़े सभी मुद्दों और भावी योजनाओं पर विचार किया जाएगा। अब यदि बात की जाए भारतीय आलू संघ की, तो भारतीय आलू संघ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और प्रेजेंट टाइम में इसके वाइस चांसलर कौन है? तो इनका नाम है SM पॉल खुराना। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्जन सरेक ने राजनीतिक गतिरोध के चलते इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और किस लिए दिया है? राजनीतिक गतिरोध के चलते। अब यदि बात की जाए स्लोवेनिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? जुबलजाना। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेजेंट टाइम में स्लोवेनिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है बोरुत पाहोर। और प्राइम मिनिस्टर तो यही थे मार्जन सरेक, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस्तीफे से ही रिलेटेड है, जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आप लोग बताया था रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे दमित्री मेदवेदेव, इन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद रसिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मिखाइल मिसुस्टिन। और कुछ समय पहले ही यानी कि जनवरी 2020 की ही बात है, यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे अलेक्सी होंजारुक, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये अभी हाल ही में जारी किया है ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन आप सभी जानते हैं ये अब यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला है, और इसे ही कहा जा रहा है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट। और ये यूरोपीय यूनियन से कब अलग हो जाएगा? 31 जनवरी को। और इसके ठीक पहले इसने जारी कर दिया है 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का। और स्मारक सिक्के में क्या लिखा होगा? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विथ अदर नेशंस। और यदि हिंदी में कहेंगे तो सभी देशों के साथ शांति, समृद्धि और मित्रता। यही सिक्का जारी किया है ब्रिटेन ने। आप लोगों को ये टर्म यदि समझ में आएगा ब्रेग्जिट, तो ये जो मुद्दा है ये 2019 में काफ़ी चर्चे में रहा है, और इसी ब्रेग्जिट में बार बार विफल होने के बाद उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की थेरेसा मे, इसी ब्रेग्जिट के रीज़न से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तब जाकर के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? बोरिस जॉनसन। तो यही है ब्रेग्जिट, ये आप याद रखिएगा। अब यदि बात की जाए ब्रिटेन की, तो ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश भी बना था। कुछ समय पहले मैंने आप लोग बताया था, तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश यह ब्रिटेन ही है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर SN कुमार। और इन्हें अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों को अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2019 का यह जो अवार्ड है कृषि के क्षेत्र में, यह दिया गया है डॉक्टर SN कुमार को। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो MS स्वामीनाथन है, इन्हें अभी हाल ही में कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुप्पावरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और MS स्वामीनाथन, इन्हें हम हरित क्रांति के जनक या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्हें ही कहा जाता है। और N राम कौन है? तो ये द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं, और अभी हाल ही में इन्हें केरल के मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिया प्रकाश, जो कि हेल्थ गो की संस्थापक हैं, और इन्हें भी अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो ट्रेन किस राज्य में तैयार की जा रही है, यानी कि अंडर वाटर मेट्रो? तो यह तैयार की जा रही है कोलकाता में, और कोलकाता में यह हुगली नदी के नीचे बनाई जा रही है। और इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है यह मार्च 2020 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो हुगली नदी को पार करने में पहले 20 मिनट का टाइम लगता था,
इस मेट्रो ट्रेन के बाद अब यह समय लगेगा मात्र 1 मिनट का। और इसी की शुरुआत की जा रही है कोलकाता में। बात की जाए यदि कोलकाता की, तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी तो है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है TBN राधाकृष्णन। कोलकाता से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 42। राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और अभी हाल ही में 44वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में ही। और कल बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि जो दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है और जो कोलकाता में 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं आप लोग बता दूं, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो कोलकाता में 44वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, यह एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारी मेला है। और इसकी जो शुरुआत है 1976 से की गई, और 1976 से यह कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। जबकि यदि बात की जाए विश्व पुस्तक मेले की, जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाता है, ये 1972 से आयोजित किया जा रहा है और ये दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इसलिए दोनों ही अलग अलग हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है 2024 तक। रेलवे का कहना है कि जो भारतीय रेल है, ये 2024 तक 100% विद्युतीकृत हो जाएगी। बात की जाए यदि रेलवे की, तो रेलवे मंत्री तो हैं पीयूष गोयल और ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं और 2019 में इन्हें कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम आप याद रखिएगा। और यदि हम बात करें रेलवे बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में। और प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? VK यादव जी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। और रेलवे मंत्रालय के द्वारा कुछ ऐप्स लॉन्च किए गए हैं इस साल, यानी कि पिछले एक साल में जो ऐप लॉन्च किए गए हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। UTS ऑन मोबाइल और रेल मदद, मेन्यू ऑन रेल और सारथी ऐप। यहाँ पर सारथी ऐप की फुल फॉर्म बनती है, फुल फॉर्म क्या है? सिनेराइज्ड एब्रीवेशन एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। ये है सारथी ऐप की फुल फॉर्म, जो कि लॉन्च की गई है रेलवे के द्वारा। एक और चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो RPF है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसने अभी हाल ही में अपना नाम बदल लिया है। नाम बदल कर क्या कर लिया गया है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो ये बदला नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं तरनजीत सिंह संधू, और ये किसका स्थान लेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला का। देखिए, इस चीज़ को आप कनेक्ट करके याद रखिए, तरनजीत सिंधु ये स्थान लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला का। और हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि अब हमारे विदेश सचिव बन गए हैं, और इन्होंने किन का स्थान लिया है? विजय केशव गोखले का। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें मुक्तेश कुमार परदेसी की, मुक्तेश कुमार परदेसी, इन्हें भी हाल ही में न्यूजीलैंड में भारत का नेक्स्ट हाई कमीशन नियुक्त किया गया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ इसमें नियुक्त होते हैं हाई कमीशन, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती है वहाँ पर नियुक्त होते हैं राजदूत। इसी तरह जो उपेंद्र सिंह रावत हैं, ये कहाँ पर नियुक्त हुए हैं? तो निकारागुआ गणराज्य में अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, जो कि करंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है केरल में, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इन्होंने इस लैब का उद्घाटन किया है। ये जो लैब है, यह फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच के अंतर को कम करेगा, और ये लैब पूरी तरह से डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित होगा, यानी कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं सारी अवेलेबल होंगी इस लैब में। और इस लैब का उद्घाटन केरल में किया गया है। केरल में भी कहाँ? केरल के कोच्ची में। तो कोच्ची से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखिएगा, जो कोच्ची एयरपोर्ट है, यह विश्व का सौर ऊर्जा से संचालित, यानी कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है कोच्ची एयरपोर्ट। साथ ही केरल का एक और शहर है कोझीकोड, और कोझीकोड ये भी अभी चर्चे में रहा है,
क्योंकि कोझीकोड में ही भारत का पहला IWTC यानी कि इंटरनेशनल वुमन ट्रेड सेंटर यह स्थापित किया जाएगा कोझीकोड में ही, तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक यह किस राज्य में खोला गया है, तो इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।